পুনৰস্বাগতম, আপুনি চাই আছে ছুপাৰ প্ৰাইম। নেটৱৰ্ক 18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলন 2024ত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিলে বালাকোটৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকৰ প্ৰসংগ। 2019ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নেটৱৰ্ক 18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলনত অংশ লৈ নমস্কাৰ দি ওলাই যোৱাৰ দিনাই হৈছিল বালাকোটৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক। ৰাইজিং ভাৰত মানে বিকাশ আৰু উন্নয়ন বুলি অভিহিত কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। লেকিন শায়দ পত্ৰকাৰ মন এই সোচ সকা থা আৰু শায়দ সোচা হ'গা লেকিন বোলতে নাই হ'গে कि क्या कारण होगा कि एक इंसान अपने कमिटमेंट के कारण इस समिट में इतने ही शांत मन से आया था और उसी समय वो किसी प्रक्रिया को दौड़ा रहा था और जो दूसरे दिन सुबह दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर बन गई थी। और मैं मानता हूं जरूर आप लोग इसका एनालिसिस करेंगे और शायद वो 28 फरवरी थी 2019 और माहौल तो ऐसा ही था और मैं भी बहुत शांति से आप सबसे नमस्ते नमस्ते करके निकला था और भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी रात को। और वो एक दिन था और एक दिन आज है। और आपने देखा होगा कि आतंक के सरगना हो या विकास और शांति की चाहत रखने वाले देश हो, सब ने राइजिंग भारत अनुभव किया है। ये नया भारत आतंक के जख्म को नहीं सहता है। बल्कि आतंक के जख्म देने वालों को पूरी ताकत से सबक भी सिखाता है। जो हमें आतंकी हमलों के जख्म देते थे उनकी क्या हालत है ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। एक सुरक्षित राष्ट्र ही एक विकसित राष्ट्र का आधार होता है और आज यही भारत की पहचान है और यही राइजिंग भारत है। साथियों, चुनाव का मौसम है, चुनाव की सरगर्मी बिल्कुल सर पर है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, आपकी समिट में भी कई लोगों ने अपने विचार रखे हैं, डिबेट का माहौल बना हुआ है और मैं मानता हूं लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। নেটৱৰ্ক 18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলন 2024ত অংশ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিলে মোদী চৰকাৰৰ গেৰাণ্টিৰ কথা। মোদী চৰকাৰে গেৰাণ্টি লোৱা বাবে বেংকলৈ যাব পাৰিছে নৱপ্ৰজন্ম। পূৰ্বে বেংকত গেৰাণ্টি দিব পৰা নাছিল নৱপ্ৰজন্মই। জি এছ টিৰ বাবে প্ৰতিবছৰে একোটা পৰিয়ালৰ 45,000 টকাকৈ ৰাহি হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। गरीब से गारंटी मांगी जाती थी। लोन की बात तो छोड़ दीजिए, देश के एक बड़ी आबादी जो भूमिहीन थी उसे भी ऐसे ही छोड़ दिया गया था। 80% से अधिक किसान जिनके पास 2 एकड़ भी जमीन नहीं थी उन्हें भी अपने नसीब पर छोड़ दिया गया था। करोड़ों नौजवानों के लिए बैंक के दरवाजे बंद थे क्योंकि उनके पास भी गारंटी नहीं थी। जिनके पास किसी को देने के लिए कोई गारंटी नहीं उनकी गारंटी मोदी ने ले ली।
इसी भावना ने मुद्रा योजना को जन्म दिया। इसके तहत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए हमने बिना गारंटी गरीब युवाओं को दिए हैं। इसी भावना ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के अभियान को गति दी, जिससे आज 10 करोड़ बहनें जुड़ी हैं। इसी भावना ने रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना को जन्म लिया। इसी भावना ने हाथ के कौशल से आजीविका कमाने वालों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना को जन्म दिया। इसी भावना से छोटे किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि को जन्म दिया। इसके तहत उन्हें करीब 3 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। कल्पना कीजिए, अगर नियत न होती, मोदी की गारंटी न होती तो क्या होता? आज जो ये मोदी की गारंटी का इतना सकारात्मक प्रभाव है, वो किसी विज्ञापन की मोहताज नहीं है। मोदी उस गरीब की गारंटी बना है जिनकी कोई गारंटी नहीं लेता था। इसलिए देश का हर गरीब आज मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है। और मैं फिर कहूंगा, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी आगे जाना है। न्यूज 18 राइजिंग भारत सम्मिलन 2024 अंक लै प्रधानमंत्री मोदी व्यक्त करिले देशक लै निजर लक्ष्य आरो उद्देश्यर कथा। उद्देश्य हलनी करार बाबे काम हुआ बुली उल्लेख करे प्रधानमंत्री मोदी। 10 बोसोरत भारतर रप्तानी 700 बिलियन डलार पार करा बुली उल्लेख करे प्रधानमंत्री। देशक आगत लै काम करा बुली उल्लेख करि आमार देशत कोनो सीमाबद्धता नाय बुली मन्तव्य करे प्रधानमंत्री। सिर्फ 10 साल में भारत का 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन जाना, क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर के 700 बिलियन डॉलर के पार पहुंच जाना, ये क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का एक्सपोर्ट 700 बिलियन डॉलर पार कर जाना, क्या ऐसे ही हुआ होगा? और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी आगे जाना है। साथियों, यहां बड़े बड़े जर्नलिस्ट मौजूद हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के दिग्गज हैं, पॉलिटिकल फील्ड के लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेसी वर्ल्ड के भी लोग हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहां सरकारों में ब्यूरोक्रेसी में काम कैसे होता रहा है? फिर वो एक फैक्टर क्या था जिसकी वजह से ये बदलाव आया? वो एक फैक्टर है नियत। नियत सही तो काम सही। और नियत कौन सी? नेशन फर्स्ट की नियत। मेरे देश में कोई कमी नहीं है कि उसकी पहचान गरीब देश के रूप में हो। हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। एक समय में हम ज्ञान में, विज्ञान में सबसे आगे रहे। दुनिया की कोई वजह नहीं है कि भारत किसी भी देश से पीछे रहे। बस हमें नेशन फर्स्ट की नीयत के साथ आगे चलना है। ये देश जो हमें इतना कुछ देता है, हम उसमें सिर्फ रहते हैं या फिर देश के लिए कुछ अलग करते भी हैं, ये फर्क बहुत बारीक है। लेकिन बारीक सा फर्क ही
देश को आगे ले जाता है। जिस दिन आप अपने काम को देश के साथ जोड़ लेंगे, आप जो कुछ भी हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जिस दिन आप अपने काम को देश के लक्ष्यों के साथ जोड़ लेंगे, तो समझ लीजिएगा कि नेशन फर्स्ट का बीज आप में अंकुरित हो गया है। यही नेशन फर्स्ट का बीज आज सरकार में, सिस्टम में, हर व्यवस्था में, हर व्यक्ति में, देश के कोने कोने में राइजिंग भारत का आधार बन रहा है। सिर्फ अपने लिए ही जिए, सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना है तो देश के लिए और मरना भी है तो देश के लिए। साथियों, 2014 से पहले और आज की स्थिति में एक और ऐसा अंतर आया है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। ये चर्चा देश की साख से जुड़ी है। जिस देश की साख गिर रही हो, उस देश के लोगों का स्वाभिमान भी ऊंचा नहीं रह सकता। 2014 के पहले भारत के साथ क्या स्थिति थी, आप याद कीजिए। 2014 से पहले घर घर में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, देश की साख गिर रही थी, लेकिन तब की सरकार झूठे तर्कों के आधार पर अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी। आज स्थिति एकदम अलग है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है, जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है, और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता था। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। ये अंतर 10 सालों में आया है। बात वही है, नीयत सही तो काम सही। পৰৱৰ্তী খবৰ, লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ডিব্ৰুগড় জিলাত তৎপৰ ফ্লাইং স্কোৱাড। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ফ্লাইং স্কোৱাডৰ অভিযান। মৰাণ আৰু খোৱাঙত ফ্লাইং স্কোৱাডৰ অভিযানত নগদ ধন জব্দ। তালাচীত ফ্লাইং স্কোৱাডে জব্দ কৰিলে 1,40,000 টকা। দুলিয়া লাহোৱালত এখন গাড়ীৰ পৰা জব্দ 1,40,000 টকা। খোৱাং চাৰিআলিতো আন এখন গাড়ীত জব্দ হ'ল 95,000 টকা। আর ফ্লাইং স্কোয়াডের অভিযান নির্বাচনের বতরত যেহেতু টাকার লেনদেন হব পারে বা আন কেনবোর দিক ভালদরে চালি জারি চাবর ফ্লাইং স্কোয়াডে দায়িত্ব পালন করে। আর যার কোনো বৈধ নথিপত্র নোহাকি টাকার লেনদেন হয়ে আছে সেই সকলের টাকা জব্দ করা হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনক লৈ এনেধরনের ডিব্রুগড় জেলাতেও তৎপর হয়ে পড়েছে ফ্লাইং স্কোয়াড। ডিব্রুগড় জেলার প্রান্তে প্রান্তে ফ্লাইং স্কোয়াডের অভিযান। মরাণ আর খোৱাঙত ফ্লাইং স্কোয়াডের অভিযানত নগদ ধন জব্দ। তালাচীত ফ্লাইং স্কোয়াডে জব্দ করলে 1,40,000 টাকা। দুলিয়া লাহোৱালত এখন গাড়ির পর জব্দ করে 1,40,000 টাকা। ইফালে খোৱাং চারিআলিতো আন এখন গাড়ির জব্দ হল 95,000 টাকা। রাম মন্দির দর্শনলৈ গৈ নিখোঁজ হোজার ব্যক্তি, নিখোঁজ হওয়া লোকজনের নাম নরেন কাকতি। হোজার কাকিত ঘর নরেন কাকতির, নিরুদ্দিষ্ট নরেন কাকতির বয়স 80 বছর। 16 মার্চত অযোধ্যালৈ গৈছিল নরেন কাকতি। 18 মার্চত অযোধ্যাত গৈ উপস্থিত হয়েছিল এদল তীর্থযাত্রীর লগতে নরেন কাকতি। অযোধ্যাত উপস্থিত হওয়ার পিছরের পর নিরুদ্দেশ নরেন কাকতি। কাকির টিলাবজারের রঞ্জিতপুরার নেতৃত্বত গৈছিল দলটো। মুখ্যমন্ত্রী আর আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানক ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাইছে এটা ভুক্তভোগী পরিয়ালে।
এজন ব্যক্তি রাম মন্দির দর্শনলৈ গৈছিল আৰু তাৰ পিছতে নিখোজ হৈছে এইজন ব্যক্তি আমি আলোকচিত্ৰ দেখুৱাইছো এওঁৰ নাম নৰেন কাকতি হোজাৰ কাকিত ঘৰ নৰেন কাকতিৰ বৰ্তমান বয়স তেওঁৰ 80 বছৰ 16 মাৰ্চত অযোধ্যালৈ গৈছিল এইগৰাকী নৰেন কাকতি 18 মাৰ্চত অযোধ্যাত গৈ উপস্থিত হৈছিল এদল তীৰ্থযাত্ৰীৰ লগত অযোধ্যাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছৰে পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে নৰেন কাকতি কাকিৰ টিলাবজাৰৰ ৰঞ্জিত বৰাৰ নেতৃত্বত গৈছিল দলটো মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে মাকক বিচাৰি অসমত বেলজিয়ামৰ মহিলা স্বামী আৰু শাহু শহুৰৰ লগতে এদল পৰ্যটকক লগত লৈ শিলচৰ হৈ কাজিৰঙালৈ আহিল বেলজিয়ামৰ মহিলা অসমত জন্ম হৈ কালৰ কুটিল গতিত একালত শিলচৰৰ অনাথ আশ্ৰমৰ আলহী হোৱা বেলজিয়ামৰ মহিলাই নিউজ 18ৰ জৰিয়তে সন্ধান কৰিলে জন্মদাত্ৰীৰ এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়ায় বিদ্যালয়ছ বাতৰিৰ পৰা নমস্কাৰ এবাৰ জন্মদাত্ৰী মাতৃক লগ পোৱাৰ তীব্ৰ হেঁপাহ বেলজিয়ামৰ পৰা তিনিবাৰতকৈ অধিক অসমলৈ আহিছে ভাৰতীয় মূলৰ বেলজিয়ামৰ নাগৰিক দীপমালা জন্মৰ দুদিনৰ পাছতে দুৰ্ভাগ্যই লগ দিছিল দীপমালাক কাৰণ জন্মৰ দুদিনতে বৰাকৰ শিলচৰৰ এখন মিছনেৰী অনাথ আশ্ৰমত এৰি গৈছিল মাতৃয়ে তিনি বছৰ বয়সলৈকে আশ্ৰমত থকা দীপমালাক এদিন গুৱাহাটী আৰু তাৰ পাছত কলিকতাৰ অনাথ আশ্ৰমলৈ প্ৰেৰণ কৰে আশ্ৰম কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ পাছতে দীপমালাৰ জীৱনে গতি কৰিলে আন এটা দিশলৈ এদিন সন্তান হিচাপে তুলি লৈছিল বেলজিয়ামৰ এক দম্পতীয়ে তেতিয়াই ভাৰতৰ পৰা বেলজিয়ামলৈ যাত্ৰা কৰা দীপমালা হৈ পৰিল বেলজিয়ামৰ নাগৰিক নতুন পিতৃ মাতৃৰ কোলাত ডাঙৰ দীঘল হোৱা দীপমালাই এটা সময়ত আৰম্ভ কৰিলে দাম্পত্য জীৱন স্বামীক লগত লৈ ইতিপূৰ্বে তিনিবাৰ অসমলৈ অহা দীপমালা এইবাৰ স্বামী শহু শাহুৰ লগতে কেইগৰাকীমান বেলজিয়ামৰ পৰ্যটকৰ সৈতে পুনৰ আহিছে অসমলৈ আগৰ দৰেই শিলচৰ ভ্ৰমণ কৰি উপস্থিত হৈছেহি কাজিৰঙাত দীপমালাৰ মতে অসম তেওঁৰ বাবে অতি প্ৰিয় অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা আকৰ্ষণৰ বাবে ফুৰিছে গ্ৰামাঞ্চল My experience in Assam is very nice. That's why I already came back here 4 times. So I like Assam. I like the Assamese people and the Assamese culture. I was born here. And this will always be my roots. This is my ground. So I love coming back here. My mother dropped me off at the orphanage in Silchar, Missionaries of Charity from Mother Teresa when I was 2 years old, 2 days old, the old. Then I spent like 1 year and a half in the orphanage in Silchar. I went a few weeks to Guwahati and then I went to the orphanage in Kolkata because Kolkata does the foreign adoptions. From there I went to Belgium. Yes, I would really like to find out about my my bird family, my bird mother, my Assamese family. I would really like that piece of the puzzle. আতিথ্য গ্ৰহণ কৰিছে অসমীয়া পৰিয়ালৰ তাৰ মাজতে দীপমালাৰ আশা এবাৰ নিজ মাতৃক লগ পোৱাৰ কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ